हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5.1, ठीक है, जिसका नाम है मैस एप है और लेस एप है। मतलब कि महत्तम समूह प्रत्यय। एक होता है महत्तम और एक होता है लघुत्तम समूह प्रत्यय, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम क्या पढ़ेंगे आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास 5th है, सब्जेक्ट मैथ्स आपका, और 5.1 देखिए इसका पेज नंबर आपको बता देता हूँ। पेज नंबर निकाल लीजिए आप, पेज नंबर है 40, पेज नंबर 40 निकाल लीजिए सभी बच्चे। पेज नंबर 40 पर निकालने के बाद अब देखिए, सबसे पहले आप समझेंगे कि मैस एप है और लेस एप है होता क्या है। देखिए, मैस एप है और लेस एप है, इनको ज्ञात करने की दो, मतलब एक विधि है मेन, तो विधि वो गुणनखंड विधि है। और सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं मैं किस में लगाता हूँ, इसके बारे में पता करेंगे आप। मान लीजिए एक संख्या है 12, ठीक है, 12, इसके गुणनखंड करेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इस संख्या का आप, मतलब इस संख्या में आपको भाग देना लगातार। सबसे पहले संख्या वो होती है 2, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप 2 से भाग देंगे, 2 से भाग ना जाए तो तब 3 से, 3 से ना जाए तो 5 से, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। ये सभी संख्याएं कौन सी है, अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब कि इन संख्याओं से आप भाग दे सकते हैं, ये विधि आप सीखो इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले 12 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया 6, 2 छिके 12। अब 6 के अंदर भाग जा रहा है, 2 का फिर से जा रहा है, तो 2 का फिर से दे दो, 2 3 6। अब 3 में क्या 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, तो अगली संख्या कौन सी आ रही है, 3 आ रही है। अब 3 का भाग दे लो, मतलब 3 एकम 3, 1 आ गया। तो मतलब कि इस 12 के गुणनखंड, इस अपने 12 के गुणनखंड क्या मिले, चेक कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसका एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, ज़रा इससे थोड़ा चेंज करता हूँ एग्जाम्पल। गुणनखंड करने हैं आपकी बार, मान लीजिए पैंतालीस के, या फिर एक बार छोटी संख्या लेके चाहिए 15 की, 15 के। अब देखिए, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 के पाड़े में 15 आता है, नहीं आ रहा, 2 के पाड़े में 15 नहीं आ रहा। अंतिम अंक देख लो, ये 5 है, विषम संख्या है, मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो नंबर, अगला नंबर कौन सा, 3 आ रहा है, तो 3 का भाग चला जाएगा, 3 पंजे क्या होते हैं, 3 का 15 भाग दिया, 3 पंजे 15, ठीक है। अब 5 में 3 का तो भाग नहीं जाएगा, नेक्स्ट संख्या वापस 3 तो ले नहीं सकते। अगली संख्या देखो, 2 के बाद कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब 5 का भाग आप दे सकते हो, 5 एकम 5। मतलब इस 15 के गुणनखंड क्या आ गए, 3 गुणा 5, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसके गुणनखंड इजीली ज्ञात कर सकते हो। तो अब हम सीखेंगे कि लेस एप और मैस एप क्या होते हैं इनके बारे में। अब देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे मैस एप, मैस एप सीखेंगे, महत्तम समूह प्रत्यय। देखिए, मान लीजिए कोई 2 संख्या ले रहा हूँ, 12 और 15, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, महत्तम समूह प्रत्यय ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 12 के गुणनखंड करो, फिर उसके बाद 15 के गुणनखंड करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 12 के गुणनखंड देखो क्या आ जाएंगे, 12 के गुणनखंड ऐसे ज्ञात कर सकते हैं आप, ये रहा 12, और 15 के भी यहाँ कर लेंगे हम, 15 के भी कर लेंगे साथ साथ, दोनों गुणनखंड करते हैं। चलो सबसे पहले 12 करते हैं, 12 इसमें सबसे पहले किस संख्या का भाग जाएगा, संख्या आपको याद होगी कौन सी होती है,
दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह चलती रहती है, ये अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, बारह में सबसे पहले किसका भाग जा रहा है, दो का भाग जा रहा है, दो छिके बारह। अब छः में फिर से जा रहा है दो का भाग, दो ती है छः, तीन एकम तीन। अब यहाँ दो का तो जान नहीं सकता था, फिर तीन का, दो तीन का दे दिया मैंने। अच्छा ऐसे पंद्रह में देखिए, पंद्रह के गुणनखंड करने तो क्या हो जाएगा, देखो ये एग्जांपल ले लिया है, इसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा इसको। ठीक है ना, पंद्रह में आप दो का भाग दे नहीं सकते, तीन का देंगे आप, तीन पंजे पंद्रह और पाँच एकम पाँच। मतलब कि अब देखना बारह के गुणनखंड क्या आ गए हैं, बारह के गुणनखंड क्या है, दो गुणा तीन, दो गुना तीन, और गुना में आप एक भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, एक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब पंद्रह के गुणनखंड क्या आ रहे हैं वो देखिए, पंद्रह के गुणनखंड क्या आ रहे हैं, तीन गुणा पाँच। अब देखिए ये दोनों चीज़ें आ गई आपकी, अब इसमें ज्ञात करना है हमको मैसे पे, यही विधि है और इसके अन्य विधि है वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैसे पे देखिए, मैसे पे मतलब क्या होता है कि जो संख्या कॉमन हो, जो संख्या क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो उभयनिष्ठ निकाल लो इसमें से, क्या निकालना है ये ऊपर लिखता हूँ, उभयनिष्ठ निकाल लो इनमें से, जो चीज़ इन दोनों में आ रही हो वो देख लो। अच्छा इनके लास्ट में गुणा लगा लो आप, चाहे एक ना लगाओ चाहे चलेगा आपका काम। तो मैं से पे ज्ञात करना है उभयनिष्ठ निकालो, क्या इन दोनों में ये दो आ रहे हैं, नहीं आ रहा, जो संख्या इन दोनों में आ रही है ना वो अपने घोड़े बनाते चलना है, दो आ नहीं रहा इसमें भी नहीं आ रहा, दो ये भी नहीं आ रहा। अब बारी आ रही है तीन की, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, और कोई संख्या इसमें दोनों में नहीं आ रही उभयनिष्ठ, तो इसका मतलब जो संख्या आ गई उसको यहाँ लिख दो, वो क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, तीन अनुस्वर आ गया आपका। ठीक है, ये था मैसे पे। अब आपको मैसे पे समझ आ गया होगा, तो इसके अन्य एग्जांपल आपकी बुक में इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसको आप क्या करना, नोटबुक में मतलब इसको चीज़ को लिख लेना आ रहा हूँ ढंग से कि मैसे पे कैसे है। आखिर गुणनखंड करने हैं, संख्या के गुणनखंड कर दिए, फिर दूसरी संख्या के कर दिए, दोनों में कॉमन निकाल दिया हमने। ठीक है, कॉमन निकालते क्या आ जाएगा, मैसे पे। अब बारी आती है लैसे पे की, किसकी, लघुतम समापवर्तक है लेस एफ है, ये था HCF, इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF। अब हम बात करते हैं किसकी, लघुतम समापवर्तक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है ना, अब नई चीज़ आ रही है आपके सामने, महत्तम समापवर्तक और लघुतम समापवर्तक, अब देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ लघुतम समापवर्तक ज्ञात करो, किसका ज्ञात करो, 12 और 15 का, 12 और 15 का मतलब क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करते हैं। चलो देखो, लघुतम समापवर्तक ज्ञात करना है या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, विधि एक ही रहेगी, विधि क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी। तो 12 के गुणनखंड कर दिया आपने, क्या होगा, कर दिए गुणनखंड, 15 के भी कर दिए। ठीक है, अब इनके गुणनखंड आपने इस तरीके से वापस से लिख लेना है, लिख लिए। अब आपने लघुतम समापवर्तक ज्ञात करना है, मतलब लैस है पे। अब ज्ञात करना है ना, तो मैं से पे में तो आपने क्या किया था, इनमें कॉमन निकाल लिए थे, और लैस है पे में आप क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ढूंढने हैं कोई भी अंक के। जैसे सबसे पहले बात करते हैं दो, दो सबसे छोटा नंबर दो आ रहा है, दो कितनी बार आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं, यहाँ पर दो आ रहे हैं, अगर मान लें यहाँ पर दो चार बार आ रहे हैं, तो हम चार बार लिख लेते, अब दो बार ही आ रहा है गुणा में, तो इसकी संख्या ये आप लिख सकते हैं, दो दो बार आ रहे हैं। अब तीन कितनी बार आ रहे हैं, तीन एक बार आ रहा है, देखो या इसमें या ये वाला उठा लो या ये वाला उठा लो, ज़्यादा वाला लेना है आपको, तीन गुणा में पाँच भी आ रहा है एक बार, पाँच। अब इन सभी को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, दो दूना चार तीय बारह पंजे साठ, और लैस पे क्या आ जाएगा इसका,
60 आ जाएगा। ठीक है, ये था लघुतम समाप्रत्यय। आप इनके से कोई और अंक भी ले सकते हैं, उनके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं और बाद में उनका क्या ज्ञात कर सकते हो, लेस है पै। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज का आपका होमवर्क है कि 5.1 प्रश्नावली का जो 5.1 प्रश्नावली के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, पहले के जितने भी पार्ट हैं, फर्स्ट से लेकर 9 तक, ये आपको करने हैं। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में भी आपको फर्स्ट से लेकर 9 तक क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, अब इनमें से मैं एक क्वेश्चन आपको फिर भी करवा देता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, इसके जैसे बाकी आप करना। ये मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। जैसे क्वेश्चन है 33, 36 और 15, पहले का है छठा, 33, 36 और 15, इसका क्या ज्ञात करना है आपको, मैस है पै। सबसे पहले 33 के गुणनखंड करते हैं, आइए 33 के गुणनखंड करने, सबसे पहले भाग जाएगा, दो का तो नहीं जाने वाला, तीन का जाएगा, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन भाग दे के देख लो अलग से। फिर इसमें किसके संख्या का भाग जा रहा है, पाँच का नहीं जा रहा, सात का नहीं जा रहा, ग्यारह का जा रहा है, ग्यारह एकम ग्यारह, 33 के हो गए। अब 36 के करते हैं, दो का भाग दोगे तो 18 आएगा, फिर दो का भाग दोगे दो निम में 18, फिर तीन का भाग दोगे तीन तीन नौ, फिर तीन का भाग दोगे तीन एकम तीन, ऐसे 15 का कर लीजिए, तीन पंजे 15, पाँच एकम पाँच। अब इनके गुणनखंड आप लिख लीजिए, 33 के क्या आ रहे हैं, 3 × 11, 36 के आ रहे हैं 2 × 2 × 3 × 3, और 15 के क्या आ रहे हैं, 3 × 5। ठीक है, 3 × 5। अब इसमें आपको मैस पे ज्ञात करने, कौन सी संख्या कॉमन आ रही है देख लीजिए, सब में आ रहा हो जो उभयनिष्ठ, तीन इसमें भी आ रहा है, तीन इसमें भी आ रहा है, और तीन इसमें भी आ रहा है, और कोई संख्या आ रही है कॉमन, कोई संख्या नहीं आ रही, तो मैस पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और लेस पे ज्ञात कर रहा होता तो 2 तो दो बार आ रहे, और 3 एक वाला नहीं देखना, दो वाला नहीं देखना, 3 तो दो बार आ रहे। इसका लेस पे भी बता देता हूँ, 2 देखो दो बार आ रहे हैं, यहाँ लिख रहा हूँ 2 कितनी बार आ रहे हैं, दो बार, 3 ज़्यादा वाला लेना आपको, 3 दो बार आ रहे हैं, और 5 आ रहा है एक बार, और एक बार क्या आ रहा है, 11। इन सबको आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 × 4 थी 12, 12 थी 36, और 36 पंजे 180, 180 को 11 से गुणा करा तो 180 × 11 1980, ठीक है ना, 1980 आ जाएगा इसका, आपको लेस पे ज्ञात करना था तो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको क्वेश्चन सभी कर लेंगे, इसके बाद अगले लेक्चर में करूँगा आपको क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।